एसएसटी प्रेम बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं संजना मिश्रा फ्रॉम टीवाई बीकॉम। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। विद्याधन सीरीज में कॉमेडी अ प्रोफेशन विद स्माइल विषय पर वेबिनार। राष्ट्रीय एकता शिविर में एसएसटी कॉलेज का सहभाग। विद्याधन सीरीज में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग पर 3 दिन का वर्कशॉप। एसएसटी कॉलेज विद्याधन सीरीज में इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ वेबिनार। एसएसटी में संपन्न हुआ नेशनल लेवल नवप्रवर्तन रिसर्च कन्वेंशन। एसएसटी कॉलेज के विद्याधन सीरीज में हुआ म्यूजिक विषय पर वेबिनार। एसएसटी के एनएसएस यूनिट द्वारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर कंपटीशन का आयोजन। एसएसटी कॉलेज के कला विभाग ने शिवराज्याभिषेक का किया आयोजन। एसएसटी महाविद्यालय की जन जागृति और स्वच्छता सप्ताह में उत्कृष्ट कामगिरी। ज्योति इंडस्ट्रियल हाफ मैराथन कंपटीशन में एसएसटी की शिल्पा केम्बले ने हासिल किया तृतीय स्थान। एसएसटी कॉलेज के कला विभाग ने रायगढ़ किले के ऐतिहासिक महत्व पर किया ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन। एसएसटी कॉलेज के कला विभाग में भारत की विरासत किला विषय पर किया ऑनलाइन वेबिनार। एसएसटी कॉलेज द्वारा प्रथम वर्ष ऑनलाइन प्रवेश मार्गदर्शन सत्र। एसएसटी कॉलेज में प्रोफेसरों के शोध निष्कर्ष की प्रस्तुति। आइए देखते हैं खबरें विस्तार में। एसएसटी कॉलेज के अभिनव उपक्रम विद्यादान सीरीज के तहत हुए एक्सक्लूसिव वेबिनार में स्टैंड अप कॉमेडियन मिस्टर राजीव गोल्डी, इन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर मार्गदर्शन किया। उनका वेबिनार का टॉपिक था कॉमेडी अ प्रोफेशन विद स्माइल। इस वेबिनार को स्टूडेंट ने बहुत सराहा। राष्ट्रीय एकता शिविर में एसएसटी कॉलेज का सहभाग। मुंबई विश्वविद्यालय एनएसएस सेल द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत को संरक्षित करना था। इनमें एसएसटी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल और एनएसएस के ठाणे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट प्रोफेसर जीवन विचारे और असिस्टेंट प्रोफेसर मयूर माथुर को आयोजन समिति में चुना गया था। एसएसटी कॉलेज के स्वयंसेवक निशांत मेश्राम का भी चयन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर कमलकर उप निदेशक एनएसएस नई दिल्ली, प्रोफेसर डॉक्टर सुहास पेडनेकर और अन्य मान्यवरों के उपस्थित में किया गया। इस मौके पर एसएसटी कॉलेज की छात्राओं ने रेजिम मित्र की शानदार प्रस्तुति की। विद्याधन सीरीज में एसएसटी कॉलेज के उपक्रम में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग पर 3 दिन का वर्कशॉप लिया गया। इस वर्कशॉप में श्री गौरव गुप्ता जी ने मार्गदर्शन किया। गौरव गुप्ता जी टेकेड कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस वर्कशॉप का लाभ उठाया। एसएसटी कॉलेज के विद्याधन सीरीज में इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ स्टोरी टेलिंग, मेटावर्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटी विषय पर वेबिनार हुआ। टीम पैलेट 69 से विजुअल डिजाइनर चिंतल भारत, कम्युनिकेशन डिजाइनर चंचल वर्मा, आर्ट डायरेक्टर सौरव प्रधान और टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट काजल तैयार, इन इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने स्टूडेंट को गाइड किया। एसएसटी में संपन्न हुआ नेशनल लेवल नवप्रवर्तन रिसर्च कन्वेंशन। एसएसटी में एमएचआरडी के सहयोग से नेशनल लेवल नवप्रवर्तन रिसर्च कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। इस रिसर्च कन्वेंशन में सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शॉर्टलिस्टेड रिसर्च का प्रेजेंटेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑथर्स द्वारा दिया गया। एसएसटी कॉलेज की विद्याधन सीरीज में हाउ टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग म्यूजिक एज अ बिगिनर, इस विषय पर वेबिनार हुआ। इस वेबिनार में म्यूजिक प्रोड्यूसर, कंपोजर, कीबोर्डिस्ट एंड फोल्किस रिकॉर्ड लेबल फाउंडर मिस्टर मुकुल सिंह, इन्होंने मार्गदर्शन किया। स्टूडेंट ने इस वेबिनार का दिल से आनंद उठाया और प्रेरणा ली। एसएसटी के एनएसएस यूनिट और एनएसएस सेल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया, जिसमें स्लोगन राइटिंग, एसे राइटिंग और क्विज जैसे कॉम्पिटिशन शामिल थे। यह कॉम्पिटिशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंडक्ट किए गए, जो कि ओनली वन अर्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेव अर्थ एंड ग्लोबल वार्मिंग
इन थीम पर आधारित थे। वहीं इस कंपटीशन में स्टूडेंट्स बड़े उत्साह के साथ सहभागी हुए। एसएससी कॉलेज के कला विभाग ने शिवराज्य अभिषेक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर अनिल तेलंगे ने इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया। आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खुशबू पुरस्वानी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति का दूध से अभिषेक किया। एसएसटी महाविद्यालय की जन जागृति और स्वच्छता सप्ताह में उत्कृष्ट कामगिरी। राष्ट्रीय सेवा योजना महाराष्ट्र सरकार के तहत यूनिसेफ महाराष्ट्र हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेटिक चेंज डिपार्टमेंट की ओर से पर्यावरण जागरूकता और स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस सप्ताह का उद्घाटन महाराष्ट्र के हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर माननीय उदय सामंत द्वारा किया गया। इस समय बहुत सारे मान्यवर उपस्थित थे। एसएसटी कॉलेज के एनएसएस वॉलंटियर ने वर्ली गांव और वर्ली किले में 8 जगह पर एनवायरमेंट अवेयरनेस के लिए तैयार नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। साथ ही एसएसटी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल और एनएसएस के ठाणे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट प्रोफेसर जीवन विचारे जी की हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर माननीय उदय सामंत जी ने प्रशंसा की और उन्हें सम्मानित भी किया। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में ज्योति इंडस्ट्रियल हाफ मैराथन कंपटीशन में एसएसटी की शिल्पा केम्बले ने तृतीय स्थान हासिल किया। शिल्पा ने 21 किलोमीटर का अंतर 1 घंटा 20 मिनट में पार किया। इस स्पर्धा में 500 से 600 तक विद्यार्थी सहभागी हुए थे। इस उपलब्धि के लिए शिल्पा को ट्रॉफी और नकद इनाम दिया गया। एसएसटी महाविद्यालय के ऑटर्स विभाग स्टूडेंट्स में किलों की जानकारी देते हेतु एक वेबिनार आयोजन किया। इस वेबिनार में किलो के बारे में विस्तार से मार्गदर्शन करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर सुनील दामोदर सूर्यराव को आमंत्रित किया गया। सूर्यराव सर ने स्टूडेंट को मनोरंजक तरीके से रायगढ़ किले के रोमांचक इतिहास के बारे में बताया। भारत की विरासत किला विषय पर मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर विरासत किलों पर ऑनलाइन वेबिनार हुआ। इस वेबिनार में किलों की विशेषता और महत्व पर चर्चा की गई और रिसोर्स पर्सन श्री प्रवीण सहदेव कदम जी द्वारा जानकारी दी गई। वेबिनार छात्रों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक था। एसएसटी कॉलेज उल्लासनगर ने मुंबई विश्वविद्यालय के सहयोग से शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 में 12वीं पास छात्रों के लिए प्रवेश पूर्व ऑनलाइन प्रक्रिया पर एक ऑनलाइन मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया। मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ऑनलाइन सत्र में डॉक्टर पुरस्वानी प्राचार्य एसएसटी कॉलेज श्रीमती सुवर्णा महाडिक उप रजिस्ट्रार पात्रता और नामांकन विभाग मुंबई विश्वविद्यालय SKL के अधिकारी श्री पराग सिंपी बहुजन विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष श्री सचिन बंसोड़े ने मार्गदर्शन किया। एसएसटी कॉलेज में प्रोफेसरों के शोध निष्कर्ष की प्रस्तुति। पूरी तरह से अनलॉक होने के बाद सरकार और विश्वविद्यालय के नियमानुसार कॉलेज की कक्षाएं ऑफलाइन शुरू हो गई। एसएसटी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर दीपक गवादे और असिस्टेंट प्रोफेसर दीपिका वलेचा द्वारा एक अध्ययन किया गया, जिसमें ऑनलाइन से ऑफलाइन परिवर्तन ने छात्रों को कैसे और किस हद तक प्रभावित किया है। इस शोध में परिवर्तित परीक्षा पद्धति का विद्यार्थियों के मन पर पड़ने वाले प्रभाव और उनकी धारणाओं का पता लगाया गया। प्रथम वर्ष के डिग्री छात्रों से प्रश्न पूछे गए और उनसे जानकारी एकत्र की गई। शोध से पता चला कि ऑफलाइन परीक्षा लेने पर भी छात्रों को ज़्यादा तनाव महसूस नहीं होता है और इससे छात्र की अंकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और छात्र ऑफलाइन परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह थे अब तक के समाचार। मिलते हैं एसएसटी प्रेम बुलेटिन के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।